हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपको ये राउंड शेप में डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आप इसको टेबल मैट भी बना सकते हो, पूजा का आसन बना सकते हो। मैंने ये पूजा का आसन स्टार्ट कर रखा है। तो फ्रेंड्स, जो भी आपके पास वेस्ट कपड़े पड़े हों, जैसे चुन्नी, लेगिंग, साड़ी, कोई भी, तो उन सब को आप मिला के और ये सुंदर सा ये मल्टी कलर में आप ये बना सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूजा का आसन स्टार्ट कर रखा है। इसमें मैंने 40 फंदे डाले हैं और जो भी मेरे पास चुन्नी, साड़ी, जो भी लेगिंग था, मैंने सब की पट्टियां बना बना के और ऐसे इसको देखिए लुक दी है ये मल्टी कलर का। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी चौड़ी चौड़ी मैंने पट्टी बनाई है क्योंकि 8 नंबर की निडल मेरे पास है, तो इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टियां मैंने बनाई है। देखिए, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बताऊंगी आपको। जैसे अगर आपके पास 6 या 7 नंबर की हैं तो थोड़ी सी आप मोटी बना लीजिए। ये देखिए, आप ऐसे पट्टियां बना लीजिए। एंड में देखिए, आपको इसको कट नहीं करना है। मैंने बना रखी, थोड़ी सी छोड़ रखी आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, यहां से आप ऐसे रख लीजिए और अलग अलग भी काट लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें हमारा ज्वाइंट बहुत ही अच्छे से लग जाता है। नोट लगाने की हमें इसमें जरूरत नहीं है, यहीं से फिर हम वापस से ऐसे मुड़ जाएंगे। तो आप ऐसे इसकी पट्टियां बना लीजिए। अब ये देखिए, अब एक बार ये चौड़ी है तो एक बार हम इस साइड से भी ऐसे कट कर देंगे और हम इसकी ऐसे पट्टियां बना लेंगे। और अब आप इसको ऐसे रोल रोल कर दीजिए। बहुत ही आसानी से ये आप इसको बना लोगे। आप सिंगल कलर में भी बनाओ तो सिंगल में भी आप इसको बना सकते हो। इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए, ये 8 नंबर की मेरे पास निडल है। इसमें अब हम इसमें बिल्कुल सिंपल फंदे डाले फ्रेंड्स, मैंने, बिगिनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। ये देखिए, सिंपल एक नोट लगाई, एक फंदा हमारा ये बन गया। ये देखिए, ऐसे फंदे डालने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए, ऐसे फंदे हमने इसमें डालने हैं। तो मैं इसमें 30 फंदे और डालती हूँ। 40 फंदे पे ही मैं आपको बताऊंगी, मैं इसमें डाल लेती हूँ। ये देखिए, 40 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ से हमने इसको उल्टा उल्टा बनाना है। तो देखिए, इस रो को हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए, जितने भी आप फंदे डालो आप एंड तक बना लीजिए। आप इसको फ्रेंड्स 30 फंदे का भी बना सकते हो, जितना आपने बड़ा या छोटा बनाना है आप उसी हिसाब से इसमें फंदे डालिए। और वैसे ही फिर आप इसमें पैर बना लीजिए। अभी मैं ऊपर बताऊंगी ऊपर हमें कैसे बनाना है। ये एक रो में आपको उतार के दिखाऊंगी।
फर्स्ट रो है, आप फंदे थोड़े से इसमें लूज डाले, बिल्कुल सिंपल फंदे हैं फ्रेंड्स, बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं, जिसको थोड़ा बहुत भी बनाना आता हो वो भी बना लेगा। सिंपल सिंपल इसको हमने बनाना है, कुछ नहीं करना है, और आप देख सकते हो ये कितना सुंदर बना हुआ है। देखिए इस रो में, फर्स्ट रो बेसिक रो है, इसमें हम सारे ही फंदे अपने बना के दूसरी निडल में उतार लेंगे। ये देखिए जिसकी नोट लगाई थी उसको भी हमने बना लिया। अब देखिए इसको हम ऐसे ही उतारेंगे, और ये जो है इसको भी आप ऐसे ही चुन्नी में लपेट लीजिए। अगर आपके पास 6 या 7 नंबर की नीडल हो तो आप वो ले लीजिए, उनसे और भी ये थोड़ी सी 8 नंबर की नीडल से वो मोटी होंगी तो उनसे आसानी से बन जाएगा। इस रो को भी फ्रेंड्स मैं ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के मैं यहां तक ले आती हूँ, उसके बाद मैं ऊपर का बताऊंगा। देखिए मैं बिल्कुल किनारे पे आ गई हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, किनारे का फंदा आपको धागा पीछे करके इसको आपने ऐसे सीधा बनाना है। देखिए, और इस साइड से हमने इसको ऐसे ही उतारना है, दोनों तरफ से हमने इसको उल्टा उल्टा बनाना है। यहां से हमने ऐसे ही करना है, इस साइड से हमने इसको सीधा बनाना है, और इसको ऐसे ही बिना बने उतारना है, और पूरी रो हमने ऐसे ही बनानी है। एक बार मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स, फिर सेम आपको ऐसे ही बनाना है। मैं कलर को कंप्लीट करके दिखाऊंगी। एंड के 4 फंदे हम छोड़ देंगे। इसमें मैंने फ्रेंड्स 40 फंदे डाले हैं, तो मैंने 4-4 का पेयर बनाया है। अगर आप 30 फंदे डालो तो आप 3-3 का पेयर बना लीजिए, उसी हिसाब से आप इसमें फंदे डालिएगा। और बड़ा बनाना है तो 50 फंदे का बनाओ, ऊन वगैरह से बनाओ तो 50 फंदे ले तो उसमें 5-5 का पेयर बना सकते हो, और छोटा बनाओ तो 2-2 का पेयर भी बना सकते हो। आपकी अपनी चॉइस है, जितना आपको बड़ा बनाना है उसी हिसाब से आप पीछे फंदे छोड़ दीजिए। मैं पीछे इसमें 4 फंदे छोड़ूंगी, हर बार 4 फंदे, 1, 2, 3, 4, 2 फंदे मैं और बनाऊंगी। हर बार हम यहाँ पे 4 फंदे छोड़ देंगे। इस बार 4 छोड़ दिए, अगली बार फिर मैं यहाँ पे 4 फंदे छोड़ दूंगी। तो इस रो को फ्रेंड्स मैं यहां तक ले आती हूं, उसके बाद मैं ऊपर का। ये देखिए किनारे पे आ गई हूं, किनारे का फंदा आप एक बार फिर से देख लीजिए, इसको हम सीधा बनाएंगे। इसको सीधा बनाने से फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे किनारे की बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब हम इसको ऐसे ही रिपीट करेंगे, इसको ऐसे ही उतारेंगे, पूरा हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, और एंड में हम 4 फंदे छोड़ देंगे। तो मैं फ्रेंड्स यहां तक आ जाती हूँ इस रो को उतार के, फिर मैं आगे का दिखाऊंगी। देखिए एंड तक आ गई हूँ, ये फंदा हम और छोड़ देंगे। ये देखिए 4 मैंने इस बार छोड़ दिए, और मैं यहीं से वापस से मुड़ जाऊंगी। इसको हम ऐसे ही उतारेंगे, और ये हम सारे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स 4-4 फंदे छोड़ते हुए मैं ऊपर तक आऊंगी। 32 फंदे हैं मेरे पास, 32 फंदे बचे हुए हैं, वो भी मैं सारे ही 4-4 करके यहाँ पे पीछे सारे मैं छोड़ दूंगी। ऐसे ही हमने दोनों साइड से इसको हमने उल्टा उल्टा बनाना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। 4-4 फंदे छोड़ते हुए ये कली हमारी पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का बताऊंगी कि हमें क्या करना है।
देखिए अलग से आपको दिखाई देंगे, ये चार चार करके मैंने सारे ही फंदे छोड़ दिए हैं, ये लास्ट के मैं ये चार फंदे छोड़ने मेरे बचे हुए हैं। ये देखिए ये फंदे भी हम छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। इसको हम सीधा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स अब ये ऊपर बन गया थोड़ा सा, अब ये दिखाई देगी इसकी ये किनारे की, ऐसे चोटी सी बनती जाएगी, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब देखिए ये चार चार करके हमने सारे फंदे छोड़ दिए हैं, ये कली देखिए हमारी बनके कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे इस रो में, इसको ऐसे ही उतारेंगे और ये सारे ही फंदे हम बना लेंगे। इस रो में हम ये अपने सारे ही फंदे बना, ये देखिए फ्रेंड्स ये बॉर्डर के पास से आपको दिखाई देगा, ये हमारी सीधी साइड है, ये दोनों तरफ से एक जैसा बनेगा और ये हमारी उल्टी साइड है। तो इस रो में हम ये सारे ही फंदे बना लेंगे। ये देखिए एंड तक हम सारे फंदे बना लेंगे। ये बहुत जल्दी जल्दी बन के फ्रेंड्स कंप्लीट होगा। ये देखिए अब अगर फ्रेंड्स आपको ये एक ही कलर से बनाना है तो आप इसी कलर को अपने को कंटिन्यू रखिए, इसी से आप आगे बनाते रहिए, सेम तरीका है बनाने का। ये देखिए एक बार हम सारे फंदे छोड़ देंगे, फिर हम इस रो में हम जब हमारी कली पूरी हो जाएगी तो हम सारे फंदे बना लेंगे और फिर से हम ऐसे ही चार चार फंदे छोड़ना शुरू करेंगे। देखिए और अगर आपने दूसरा कलर लगाना है तो आप देखिए इसको या तो आप फ्रेंड्स ऊपर तक चलाइए या आप यहाँ से आप इसको कट कर दीजिए, मैंने इसको काट दिया। अब देखिए यहाँ से अब हम अपना सेकंड कलर इसमें लगाएंगे। थोड़ा सा आप चुन्नी है कई बार अटक जाती है, लूज कर लीजिए। देखिए ये भी मेरे पास चुन्नी है तो हम इस चुन्नी से अब इसको या तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे नोट लगा दीजिए या आप इसको थोड़ा सा अंदर इसमें दबा लीजिए, ये हमारा अंदर ही अंदर चलता रहेगा, इसको आप इसमें ही लपेट लीजिए। ये उल्टी तरफ से भी बहुत ही सफाई के साथ आपका ये बनके कंप्लीट होगा। देखिए अंदर ही अंदर हमारा ये सेट हो गया। अब आप चाहो तो इसको काट सकते हो क्योंकि हमारा ये निकलेगा नहीं। ये देखिए और ये पूरी रो हम ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। दूसरा कलर हमने इसमें ऐड कर लिया है तो मैं इसको यहां तक उतार लेती हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। ये देखिए पूरी रो हमने इसकी उतार ली, कलर हमारा इसमें ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वाला है कलर लगाया है इसलिए हम इसको ऐसे उतारेंगे, अंदर ले आएंगे। इस रो में हम सारे ही फंदे बना लेंगे और एंड में चार फंदे छोड़ देंगे। दूसरी कली की मैंने आपको स्टार्टिंग करके दे दी है, आप इसको ऐसे ही बनाते जाइए। ये देखिए
अपनी मर्जी से आप फ्रेंड्स में जितने चाहो उतने कलर लगा सकते हो। जो कलर जहाँ लगाना है अपनी मर्जी से लगाइए, ये बहुत ही खिला खिला बनेगा और बहुत सुंदर बनेगा। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास ये कलर है तो मैं इसका कैसे बनाऊं। जो भी आपके पास कलर हो आप उसी से इसको बना सकते हो। ये देखिए एंड में हम चार फंदे छोड़ देंगे और चार चार फंदे छोड़ते हुए ऊपर तक चले जाएंगे जैसे हमने पहले बनाया है। दूसरी कली की आपने स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है, ये चार फंदे छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स मैं एक बार इसको यहाँ तक बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। देखिए ये रो मैंने उतार ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आप ऐसे बनाओगे तो ये वाली गोलाई आपकी अपने आप ही बनती चली जाएगी और जब आप एंड करोगे तो आपका एंड यहाँ पे आके हो जाएगा, बिल्कुल गोल सर्कल बनेगा। तो फिर आपने एंड कैसे करना है, फंदे वाइंड अप कैसे करने हैं, मैं इसी पे आपको बताऊंगी। ये देखिए दो का एक किया, ऐसे हमने लास्ट में जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब आपने फंदे ऐसे सारे ही ऐसे वाइंड अप करने हैं, इसी पे मैंने आपको बता दिया। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जिसको करने आते वो कर लेता, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उनको के बाद में कमेंट आते हैं कि मैम हम फंदे बंद कैसे करें, वो हमें बताइए। तो मैं इसी पे ही मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए ऐसे डालिए वापस और दो का एक ऐसे कर दीजिए, तो ये आपके ऐसे सारे फंदे बंद हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे उसको सील दीजिए। ये देखिए रॉन्ग साइड से भी इसकी ऐसी लुक आएगी, बहुत ही सफाई के साथ ये बन के कम्प्लीट होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये डिजाइन कैसा लगा, जो हमारे घर में पुराने कपड़े पड़े रहते हैं उनका हमें यूज कैसे करना है, ये आपको आइडिया कैसा लगा। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो फ्रेंड्स एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, इसको आप शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।